Hi Saloni, what's up? हाय नंदिनी, आई एम फाइन. यू टेल, व्हाट्स गोइंग ऑन? कुछ नहीं यार. और बता सलोनी, कितनी परसेंटेज आई तेरी 12th में? यार मेरी तो 80% आई है. और तेरी? 86%. अरे वाह नंदू, अब तो तू चॉकलेट खिलाएगी मुझे. हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं. और बता, तूने कॉलेज के लिए फॉर्म भर दिया क्या? हाँ यार, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सोचा है. ओ वाह, दैट्स ग्रेट. उसमें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो कौन से कॉलेज में जाएगी? मैंने भारती कॉलेज सोचा है. नाइस यार, तूने सब कुछ पता कर लिया है ना कॉलेज के बारे में? नहीं यार, कैसे पता करूं. अरे तू उस दिन बोल रही थी ना, तेरी एक दीदी है जो उसी कॉलेज में पढ़ती है. हाँ, अलका दी. चल शाम को ना उनके पास चलकर कॉलेज के बारे में पता करते हैं. हेलो दी, हाउ आर यू? हाय सलोनी, बड़े दिनों बाद देखी हो. और क्या हो रहा है आजकल? और ये कौन है, तुम्हारी दोस्त है क्या? कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही. हाँ, ये मेरी दोस्त है नंदिनी. ओके ओके, और बताओ किस कॉलेज में एडमिशन लिया तुम दोनों ने? वही तो पूछना है दीदी आपसे. आप भारती कॉलेज में हो ना? हमने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया है. हाँ दैट्स ग्रेट बोथ ऑफ यू. दी, आप बताओ ना अपने कॉलेज के बारे में कुछ. हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं. मेरे कॉलेज का नाम भारती कॉलेज है. ये नई दिल्ली के जनकपुरी विद्या मार्ग, जनकपुरी पूर्व मेट्रो स्टेशन में स्थित है. भारती, जिसका अर्थ है भाषण, देवी सरस्वती का एक और नाम दर्शाता है, जो शिक्षा, कला और ज्ञान पर एक अधिकार है. भारती कॉलेज महिलाओं के लिए एक प्रमुख और प्रतिष्ठित कॉलेज है, जो कि 20 सितंबर 1971 में दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया था. और ये कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. ये कॉलेज 8.6 एकड़ जमीन पर बना है. और इस कॉलेज में श्री साहिब सिंह वर्मा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, ने एक लाइब्रेरियन के रूप में अपना करियर किया है. यहाँ का वातावरण काफी सुंदर है और यहाँ काफी कलरफुल और सुंदर फ्लावर्स भी हैं. और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है. भारतीय कॉलेज को नैक द्वारा ग्रेड बी से मान्यता दी गई है. कॉलेज ने इंडिया टुडे 2020 तक भारतीय कॉलेजों में वाणिज्य में 44वां और कला में 60वां स्थान हासिल किया है. दैट्स ग्रेट दी. और कुछ बताओ ना अपने कॉलेज के बारे में. हाँ हाँ जरूर. भारती कॉलेज 2000 यूजी और पीजी छात्रों को 11 सब्जेक्ट्स में कोर्स ऑफर करता है. भारती कॉलेज में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री एक्सेट्रा की एक अच्छी तरह से विकसित और अनुभवी फैकल्टी है. भारती कॉलेज में एक विकसित शहरी परिसर है, जिसमें कंप्यूटर लैब, कैंटीन, एक जिम, एक कॉमन रूम, एक मेडिकल सेंटर, एक फोटो कॉपी शॉप शामिल है. इसके अलावा हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं और पूरा कैंपस वाईफाई से लैस है. वाओ दी, लैंग्वेजेस कोर्स भी होते हैं क्या आपके कॉलेज में? और प्लेसमेंट्स कैसी हैं आपके कॉलेज की? हाँ सलोनी, भारतीय कॉलेज कई ग्रेजुएट कोर्स जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी और हिंदी में केवल एक पीजी कोर्स मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोवाइड करता है. भारतीय कॉलेज अपने छात्रों को शॉर्ट ड्यूरेशन फॉरेन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर कोर्स भी प्रदान करता है. भारतीय कॉलेज का प्लेसमेंट पैकेज बहुत अच्छा है. लगभग 75% छात्रों को प्लेसमेंट मिलता है. भारतीय कॉलेज में किसी भी छात्र को दिया जाने वाला मैक्सिमम पैकेज 50,000 पर मंथ और मिनिमम पैकेज 15,000 पर मंथ था. वाह दी. और दी, आपके कॉलेज में कौन कौन से सोसाइटीज हैं? और फेस्ट भी तो होते होंगे ना आपके कॉलेज में? हाँ हाँ बच्चा, सोसाइटीज एंड क्लब भी हैं और आपके फेस्ट भी होते हैं हर साल, जैसे गुड़िया दी फुलकारी, चिलमन द थिएटर, आर्ट विला, आर्ट एंड एस्थेटिक सोसाइटी, नजम सोसाइटी ऑफ डांस एंड सिंगिंग, फिल्म क्लब, एक्स्ट्रा करिकुलर सोसाइटी, एलेंट्रे द फैशन सोसाइटी, संस्कृत परिषद द संस्कृत सोसाइटी, पैलाश ईगो क्लब, वॉकर्स फिल्म क्लब, आनंद द हैप्पीनेस क्लब. और मृदंग में शास्त्रीय, पश्चिमी और समकालीन गायकों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक जैसे सभी प्रकार के भारतीय नृत्यों के साथ साथ पश्चिमी शैली के नृत्य जैसे हिप हॉप, बेली, फ्री स्टाइल आदि का प्रदर्शन करते हैं. भारतीय कॉलेज अपने नृत्य समाज और फैशन समाज के लिए काफी लोकप्रिय है. उत्सव के दौरान हर साल प्रसिद्ध गायक और हस्तियां भारतीय कॉलेज में आते हैं. साथ ही भारतीय कॉलेज के छात्र अपने कॉलेज के आईडी कार्ड के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेज के अधिकांश उत्सवों में भी शामिल हो सकते हैं. और हमारे कॉलेज को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं. वाओ दी, इट्स रियली अमेजिंग. वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड. दी स्पोर्ट्स भी होती हैं क्या आपके कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में बहुत से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं, जिसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, फुटसल,
खो-खो, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो एंड वॉलीबॉल है। विशेष अध्यापकों के तहत खेलों के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है। खेल उपकरण और शारीरिक प्रशिक्षण उपकरण प्रदान किए जाते हैं। एक योग्य जिम ट्रेनर के साथ एक व्यायामशाला भी है। और एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स देश का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इट्स मोटो इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है, जो देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाने में लगे हुए हैं। जो देश में हाई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेट की भर्ती करता है। एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है, जो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। छात्रों को दी जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में जेंडर इशू, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल हारमोनी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एनरिचमेंट एक्सेट्रा। इसका उद्देश्य उन युवाओं के बीच स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है, जो हमारे राष्ट्रीय खेलों और खेलों में खोजे जाने वाली विशाल करियर संभावनाओं से अनजान है। दी, आपका कॉलेज तो वैसे बहुत अच्छा है, पर कॉलेज में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी तो होंगे ना? हाँ, है ना। हमारा कॉलेज ऑफ कैंपस है, तो वहाँ से ही ये मेन कैंपस से कट हो जाता है। एक्सपोजर कम है और फेस्ट में भी मेन कैंपस से काफ़ी दूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर अभी नया भी डेवलप किया गया है। और एमए कोर्स नहीं है और साइंस कोर्स भी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी नैक रेटिंग कम हो जाती है, पर कॉलेज ये काफ़ी अच्छा है। वाव दी, इट्स रियली अमेजिंग दी। हम तो बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कॉलेज आने के लिए। अब बस जल्दी से एडमिशन हो जाए, फिर आपसे मिलते हैं कॉलेज में। एंड थैंक यू सो मच दी, यू आर वेरी हेल्पिंग नेचर काइंड पर्सन। और सो स्वीट बोथ ऑफ यू बच्चा। श्योर जल्दी मिलेंगे आप दोनों से और पार्टी भी करेंगे। चलो फिर मिलते हैं, बाय। अरे सुनो, यूट्यूब पे भारत ज्ञान अक्षर का एक चैनल है बीजी इन्फो मीडिया के नाम से। वहाँ ड्यू सीरीज देखो और ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ड्यू के कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो को 1 मिनट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना, और साथ ही बीजी इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, क्यों नहीं दी, हमें तो बहुत ही खुशी होगी जो भारत ज्ञान अक्षर से हमें इतनी सारी नॉलेज मिलेगी। और ड्यू सीरीज तो हम जरूर देखेंगे, उसमें तो बहुत सारी गाइडेंस भी प्रोवाइड होगी। एंड इट्स रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।